हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझे क्लास 11 का सेट समोच्च एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में हम लोग कल की क्लास में समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक और उसके साथ थियोरम भी। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते जो कल के क्लास में क्या पढ़े थे। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े यूनियन ऑफ टू सेट, यह पढ़े थे यूनियन ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो दो समुच्चयों का सम्मिलन क्या ना, यूनियन को हम लोग इस तरीके से सूचित करते यूनियन। यूनियन मतलब इस तरीके से दो सेट दिया हुआ था 1, 2, 3 और सेट बी दिया हुआ था 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। और कह रहा ना कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी ऐसे लिखते, ए यूनियन बी मतलब बताया गया सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट को मिला के लिख दो 1, 2, 3 और सेट बी वाला लिख दो 1, 2, 3, 4। लो तो सेट ए और सेट बी दोनों सेट को मिला के लिख देते जो बनता वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखे। फिर हम लोग यूनियन के बाद इंटरसेक्शन सीखे, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट में क्या हुआ था, जैसे मान लो एग्जांपल में कि यही ए और बी दो सेट दिया हुआ। अब इसका कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करो, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है, सेट ए और सेट बी जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो 1, 1 मैच कर रहा है, 2, 2 भी मैच कर रहा है, 3, 3 भी मैच कर रहा और ये हो गया 4, 4 नहीं मैच कर रहा, तो ये इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो ये हम लोग समझ गए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। फिर हम लोग समझे डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो डिफरेंस ऑफ टू, दो समुच्चयों का घटाव। तो दो समुच्चयों का घटाव हम लोग समझे, जैसे a माइनस बी क्या करना है, a माइनस बी। जैसे इसका एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, a बराबर ले लो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 और सेट बी में लिख लेते हैं 1, 2 और बस ले लिए। अब इसका करना है ए माइनस बी, राइट है, ए माइनस बी। तो सेट ए लिख दीजिए तो 1, 2, 3, 5 और माइनस सेट बी लिख दीजिए 1 और 2। अब इसको घटा लो, 1, 1 कट गया और 2, 2 भी कट गया, 3, 3 इसमें नहीं है तो 3 हो जाएगा, 5, 5 भी नहीं है, 5 तो ही हो गया। जो ए वाला एलिमेंट बी में मैच कर जाए वो कैंसिल होता है, जो बच जा वही होता है क्या, ए माइनस बी। हम जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझे थे ये सब बहुत ही डिटेल से समझाया गया था जो हम लोग समझ सकते हैं। और ये हो गया। फिर समझाया गया था यूनिवर्सल सेट, नहीं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, दो या दो से अधिक सेट को मिला के लिख दें तो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझे। फिर हम लोग यह समझे पॉइंट, जैसे इसको मिटा लेते, राइट है। और इसके बाद हम लोग समझे कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। ए समझे थे कल के क्लास में, जिसको हिंदी में हम लोग समझते हैं पूरक, पूरक समुच्चय। अब ये पूरक समुच्चय क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट पूरक समुच्चय कहेंगे क्या ना, कि यदि सेट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, राइट, और सेट ए दिया हुआ है क्या ना कि 1, 2 और कह दिया ए डैश ज्ञात करो, राइट राइट। अब ए डैश मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट सेट। अब ए डैश कहता था तो हम लोग क्या करते थे, ए डैश बाय यूनिवर्सल सेट और माइनस में ए और यूनिवर्सल सेट लिख दो 1, 2, 3, 4, 5 और माइनस सेट ए लिख दीजिए 1 और 2। अब इसको ना डिफरेंस कह लो, तो 1, 1 कैंसिल हुआ, 2, 2 भी कैंसिल हुआ और क्या बच गया, 3, 4 और 5 ए बच गया। तो यही कहला गया क्या, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इतना का हम लोग पॉइंट कल के क्लास में समझ चुके थे। अब देखो, अब डायरेक्ट आ जाओ एक क्वेश्चन, राइट है, क्वेश्चन जरा देखो। ये सब तो हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे। देखो अब चौथा में रिवीजन हो गया। अब करा ए बी सी और डी, कितना सेट दिया हुआ, 4 सेट दिया हुआ। तो करा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब ए माइनस सी कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, सेट ए लिख दीजिए क्या, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21, राइट है। अरे फिर माइनस, माइनस लिख दीजिए सेट सी, सेट सी कहाँ है, सेट सी यहाँ है, लिख दो 2, 4, 6
आठ दस और बारह चौदह सोलह ए लिख दी। अब सेट ए माइनस लिया, अब इसका ना डिफरेंस कह लो, डिफरेंस कैसे करते हैं, थ्री थ्री इसमें है नहीं तो बच गया लिखा गया, छः छः इसमें है कैंसिल हो गया, नाइन नाइन इसमें नहीं है लिखाएगा, ट्वेल्व ट्वेल्व है कैंसिल हो गया, फिफ्टीन फिफ्टीन नहीं है, एट्टीन एट्टीन भी नहीं है और ट्वेंटी वन भी नहीं। यही हो गया क्या ए माइनस में सी, मतलब इसका एलिमेंट अगर इसमें नहीं है तो जो बचे वो है, जो नहीं है वही लिखा था, ये हो गया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस डी, बी माइनस ई सब कह लेंगे, तो इसमें 10 12 क्वेश्चन है, सभी आप लोग बना सकते हैं। जैसे इसको एक क्वेश्चन और समझाते हैं, जैसे हम लोग को क्या कह रहा है इसमें, ए माइनस बी ज्ञात करो, राइट है, तो सेट ए लिख दो, सेट ए क्या गिवन है, यहाँ लिखा हुआ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एट्टीन ट्वेंटी वन, ए गिवन है। फिर क्या माइनस माइनस, सेट बी, सेट बी क्या ए दिया हुआ फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन और ट्वेंटी, ए दिया हुआ। अब क्या करो ना कि ए माइनस बी कह लो, थ्री थ्री इसमें है नहीं तो लिखाएगा, सिक्स सिक्स इसमें नहीं है वो भी लिखाएगा, नाइन नाइन भी नहीं है, ट्वेल्व ट्वेल्व है कैंसिल हो जाएगा, फिफ्टीन फिफ्टीन नहीं है, एट्टीन एट्टीन भी नहीं है और ट्वेंटी वन भी नहीं है। यही हो गया क्या ए माइनस बी। तो दो सेट का हम लोग डिफरेंस कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर चौथा में सात से आठ क्वेश्चन इसमें सारा बना लेंगे क्वेश्चन, तो चौथा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर फाइव, इसको जल्दी से नोट करो फिर समझते हैं फाइव। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना फाइव, तो क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करा ध्यान से समझे, करा ए आर वास्तविक संख्या है, क्या है आर वास्तविक संख्या है, क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के समुच्चय है। तो आर आर वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या मतलब सारे नंबर क्या होता है ना वास्तविक संख्या, फिर एंड एंड क्यू परिमेय संख्या है समुच है, तो R माइनस क्यू के समुच निर्माण रूप में लिखिए। तो ये ना R माइनस क्यू करो, तो R वास्तविक संख्या है और क्या ना और Q परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या ना वास्तविक संख्या तो रियल नंबर में होता है, क्या ना वास्तविक संख्या में प्राइम नंबर, सॉरी रियल नंबर में क्या ना यहाँ पे इंटीजर नंबर भी होता है। तो देखो ये वास्तविक संख्या और ये परिमेय संख्या, तो ये वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या परि, तो रियल नंबर में क्या ना अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या ये दोनों होता है, क्या ना वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। अब देखो माइनस माइनस क्यू, क्यू क्या है, क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, तो ए परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या इसमें है, नहीं है, तो क्या बच जाएगा, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बच जाएगा, परिमेय संख्या क्या मैच कर गया कट गया, तो Q माइनस आर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यही कह रहा था Q माइनस आर समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखो, तो Q माइनस आर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में सॉरी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों होता है, उसमें अगर परिमेय संख्या को घटा दे तो क्या बचेगा अपरिमेय संख्या। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव, इस तरीके से बनाते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर देखो सिक्स, सिक्स में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच एवं का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, राइट है। तो अभी ना दो सेट दिया हुआ करा, ये दोनों सेट का क्या निकाले सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी करा ज्ञात करने के लिए, तो सेट ए लिख दो वन थ्री फाइव और इंटरसेक्शन सेट बी लिख दीजिए वन टू और थ्री लिख दिए। अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, वन वन कॉमन लिख दिए, थ्री थ्री भी मैच कर रहा है,
और ए लिख दे, तो जो अब पांच पांच इसमें मैच नहीं कर रहा, यही हो गया क्या ए इंटरसेक्शन बी, मतलब सर्वनिष्ठ, ए दोनों सेट का सर्वनिष्ठ। उसी प्रकार से ए कर रहा है, ए दोनों सेट का सर्वनिष्ठ निकालो, तो क्या निकाल सकते एस, हम लोग सभी निकाल सकते सेट ए। अब बिना लिखे हुए डायरेक्ट आंसर दो, ए ए मैच किया ए लिख दीजिए, बी बी नहीं मैच कर, ई नहीं मैच कर रहा, आई नहीं, यो नहीं, यू नहीं, कोई भी मैच नहीं कर रहा, बस यही हो गया क्या सेट ए और सेट बी का क्या उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो ये आ गया सर्वनिष्ठ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट और सेकेंड। अब समझेंगे इसका थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना सिक्स का थर्ड। देखो सिक्स का थर्ड में क्या करना कि ए बी दो सीट दिया हुआ, दोनों सीट का क्या है ना सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो एक दो तीन ए लिख दे, इंटरसेक्शन बी क्या है फाइव। अब देखो क्या कोई एक एलिमेंट, फाइव मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या इसका इसमें कोई मैच कर रहा है एलिमेंट, नहीं मैच कर रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, यही हो गया आंसर। अब देखो इसमें सेट ए दिया हुआ, अब सेट ए दिया हुआ मतलब क्या एक्स कर रहा है, एक्स एक प्राकृत संख्या, एक्स क्या है प्राकृत संख्या, जो तीन का गुणज है, तो तीन का गुणज क्या होगा थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन डॉट 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 ए है। अब सेट बी लिख दो, सेट बी में क्या कर रहा है कि एक संख्या छः से कम, जिससे छः से कम एक प्राकृत संख्या, छः से कम प्राकृत संख्या क्या होगा, छः से कम प्राकृत संख्या एक है दो है तीन है चार है पाँच है और बस पाँच है, छः से कम, तो छः से कम। अब सेट ए और सेट बी मिल गया, अब ए दोनों का क्या निकालना सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। अब देखो दोनों में कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है, तीन तीन मैच कर रहा तीन लिखाएगा, और कोई इसमें एलिमेंट मैच कर रहा छः छः नहीं मैच कर रहा, और कोई एलिमेंट मैच नहीं कर रहा, इसलिए बस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा थ्री। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स का थ्री और फोर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्या ना इसका फाइव, फाइव इस फाइव आप लोग सिक्स का बना लेंगे। अब समझते क्वेश्चन नंबर सेवन, तो इसको नोट करो फिर समझते सेवन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेवन, सेवन में क्या करा ए बी सी तीन सेट दे दिया, तब करा ए ज्ञात करो, तो इसको ना ज्ञात करना आसान है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या ना ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ए ज्ञात कह लो, तो ए यूनियन बी, तो सेट ए और सेट बी, यूनियन मतलब समझते हैं ए सेट ए और सेट बी दोनों को मिला के लिख दो, तो मिला के लिख दीजिए दो तीन चार पाँच छः सेट ए लिख दे, अब सेट बी लिख दीजिए, तीन लिखा गया चार भी पाँच भी छः भी और सात ए हो गया। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी सेट ए और सेट सी मिला के लिखो, अब सेट ए, सेट ए क्या दिया हुआ दो तीन चार पाँच पाँच छः, और सेट सी लिख दो, सी सी क्या चार लिखा गया पाँच भी छः भी सात और आठ ए लिख दे, लिख दे। इंटरसेक्शन मतलब समझते जो जो एलिमेंट मैच करता हो वो लिखाएगा, दो मैच किया तीन भी चार भी पाँच भी छः भी और सात भी, बस यही हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जरा समझिए, सेकेंड में कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट, ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट खोजो, तो दो दो नहीं है तीन, तीन मैच कर रहा है तीन लिख दिए, चार चार मैच कर रहा है और पाँच पाँच भी मैच कर रहा है, छः छः भी मैच कर रहा, तो ए लिख दिए इंटरसेक्शन। अब करा यूनियन, यूनियन दे दो, अब ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी, अब देखो ए और सी में क्या ना इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दो नहीं मैच कर रहा तीन भी नहीं चार मैच कर रहा चार पांच मैच कर रहा छः मैच कर रहा, बस ए लिख दिए। अब इसका कहा जा रहा है यूनियन, यूनियन मतलब ए दोनों सेट को मिला के लिख दीजिए, तीन चार पाँच छः ए सेट लिख दे, अब ए सेट लिखो, चार लिखा गया पाँच भी लिखा गया छः भी लिखा गया, बस यही हो गया आंसर क्या ना ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर क्या सेवन। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर एट, तो सेवन हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो इसको जल्दी से नोट करो फिर हम लोग समझते हैं एट।
तो ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन नंबर देखो थ्री, थ्री पूछा जा रहा है ना बच्चे से, थ्री नहीं बन पा रहा है। अरे थ्री भी क्या है ना, थ्री में दिया हुआ है ए माइनस में, ए माइनस में क्या है ना कि बी यूनियन सी है, राइट है, बी यूनियन सी है। तो क्या दिक्कत है, इसको ना सबसे पहले हम लोग सेट ए लिख दो, तो सेट ए लिख देते हैं, सेट ए इसको ज्ञात करना ना, सेट ए, सेट ए क्या है ना, दो तीन चार पाँच छः ए लिख दे, फिर माइनस माइनस बी यूनियन सी, तो बी सी को मिला कर लिख दो, यूनियन मतलब मिला के लिख देना, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अबे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हो गया एट, ए लिख दिए। अब माइनस, माइनस मतलब दो, दो इसे नहीं मैच किया लिखाएगा, तीन, तीन मैच कर गया कैंसिल, चार भी मैच कर रहा है, पाँच भी छः भी, बस यही हो गया क्या, ए माइनस बी यूनियन सी। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर इसका क्या ना चौथा, राइट है, तो इसका चौथा क्वेश्चन क्या है सो समझो, तो इसका चौथा में कहा जा रहा है कि ए माइनस में बी माइनस में सी, ए है ए माइनस में बी माइनस सी, इसका करना, तो सेट ए लिख दो, सेट ए लिख देंगे यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः अ माइनस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी डायरेक्ट कह लीजिए यहाँ पे बी माइनस, तब देखो बी माइनस सी कह लो, तो सेट बी और सी, बी माइनस सी यहाँ डायरेक्ट कह लो, थ्री थ्री नहीं मैच कर रहा, थ्री लिख देंगे, फोर फोर मैच कर रहा कैंसिल, फाइव भी सिक्स भी सेवन भी, बस अब देखो क्या ना, अब इसका माइनस कर लो, दो दो मैच कर रहा है नहीं, तीन मैच कर रहा है एस, चार चार पाँच छः, यही हो गया क्या इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवन कंप्लीट कर दिए, ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर एट, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे एट, क्वेश्चन नंबर एट में ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है ना कि एस, एस मतलब क्या है ना यूनिवर्सल सेट है, करा सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी, चार सेट गिवन है, तो कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए बी माइनस सी, तो ये तो ज्ञात कर सकते हैं राइट, B माइनस सी जो हम लोग को सभी को ज्ञात करने आ गया, B B लिख दीजिए, सेट वन टू थ्री अ माइनस सेट A, सेट A लिखो, सेट A दिया हुआ जीरो वन टू थ्री और फोर, अब इसका सब्ट्रैक्ट करो, वन वन कैंसिल, टू भी कैंसिल, ओ सारे कैंसिल हो गया, तो A हो जाएगा B माइनस ए फाइव, आंसर हो गया। अब कर रहा है सेकेंड में, सेकेंड में कहा जा रहा है ए डैश, ए डैश का हम लोग थ्योरी पढ़ें, तो ए डैश मतलब क्या होता है ना कि यूनिवर्सल सेट अ माइनस ए, ए डैश मतलब कम्प्लीमेंट सेट, पूरक सेट, कम्प्लीमेंट सेट को सूचित करते ए डैश, ए डैश हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब ए यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, यूनिवर्सल सेट क्या है और जीरो, यूनिवर्सल्स को यहाँ एस से सूचित किया है, तो इसको एस माइनस से लिख दो, राइट है, तो यू यू लिखो ना अच्छा रहेगा ना, यूनिवर्सल सेट माइनस सी, तो जीरो वन टू थ्री फोर डॉट डॉट कहाँ तक है, नाइन तक है, राइट है, नाइन तक है। अब माइनस सेट ए लिख दीजिए, सेट ए, सेट ए क्या गिवन है, जीरो वन टू थ्री फोर, बस ए दिया हुआ, अब इसको सब्ट्रैक्ट कह लो, तो जीरो जीरो कैंसिल, वन भी कैंसिल, टू भी थ्री भी फोर भी, हाँ फाइव, फाइव इसमें नहीं है, छः सेवन एट और नाइन, ए वाला एलिमेंट फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें नहीं है, तो यही हो गया क्या ए डैश, ए ए मतलब नहीं समझे, पाँच चार पाँच छः सात आठ ए नौ, नौ तक है, जीरो से लेके नौ तक, तो यहाँ तक मैच कर रहा है जो कैंसिल हुआ, ए नहीं मैच किया खा गया, तो हो गया ए डैश, तो कंप्लीमेंट सेट फाइंड के लिए उसी प्रकार से इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट है। अब इसको कैसे फाइंड करें सर, सिंपल है, तो इसको क्या करो ना कि सी यूनियन डी, राइट है, सी यूनियन डी की हॉल डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट अ माइनस में सी यूनियन डी हो जाएगा, इस पूरा को समझ लीजिए क्या ए ए ए डैश, ए डैश मतलब, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट अ माइनस में ए। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या है, जीरो एक दो डॉट डॉट कहाँ तक है, नाइन तक है, राइट है, नाइन तक। अब माइनस, अब क्या कह लीजिए, सी यूनियन डी लिखिए, सी और डी को मिला दो, यूनियन मतलब मिलाना, सी और डी दोनों सेट को मिला के लिख दो, तो पाँच छः सात सेट से लिख दो, अब डी लिख दीजिए, पाँच सात और लिखा गया आठ नहीं है,
आठ लिख लीजिए और नौ लिख लीजिए, राइट है। तो ए लिख दिए, सी यूनियन डी। अब डिफरेंस करने के लिए जानते हैं, जीरो जीरो इसमें नहीं है, दो भी एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तीन चार पाँच, पाँच इसमें मैच करेगा, छः भी, सात भी, आठ भी, नौ भी, सब मैच कर जाएगा, कैंसिल हो गया। यही हो गया क्या इसका, कंप्लीमेंट सेट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आठ का फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स सब आप लोग बना लेंगे। जैसे देखो इसका क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ ना कि डी माइनस में सी के हॉल डैस दिया हुआ, राइट है। डी माइनस सी के हॉल डैस, क्या डी माइनस सी के हॉल डैस नहीं कर सकते, एस कर सकते। कैसे करेंगे, तो डी माइनस सी के हॉल डैस, तो इसको करेंगे डी माइनस सी की हॉल डैस बराबर यूनिवर्सल सेट और माइनस में डी माइनस सी, राइट है। तो डी माइनस सी, डी माइनस सी ज्ञात करने के लिए जानते हैं, डी माइनस सी कह लो और यूनिवर्सल सेट में घटा दीजिए, जो आएगा वही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या ना एट तक कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्या ना और नाइन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास इतने, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।